नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की जो अपनी अपडेट होने वाली है वो नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी और टीजीटी की वेटिंग के बारे में होने वाली है। तो साथियों, आप सभी ने सुना है किसी न किसी से कि जो वेटिंग है वो आनी शुरू हो गई है और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं, सेकंड लिस्ट नहीं आई है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो बात है वो 100% सच है। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी जुड़ी हुई है और एक बुरी खबर भी जुड़ी हुई है। और जैसा कि हम पहले सोच रहे थे कि पहले सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी और उसके बाद में सबको एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे, लेकिन इस बार साथियों ऐसा नहीं हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई है जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, और उन कैंडिडेट का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, नाम मैं ओपन नहीं कर सकता, और उनको उड़ीसा मिला है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इस बार वेटिंग लिस्ट है जो सेकंड लिस्ट के रूप में नहीं आई है। और ये बात हमारे लिए अच्छी कैसे है, तो मैं इसके लिए बताऊंगा कि जैसे भी अपनी वैकेंसी खाली होती है वहां, उसके बाद में जो तुरंत उसके बाद में जो कैंडिडेट है, जहां तक कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद में जो नीचे का पैनल तैयार हुआ था, उस पैनल में से उससे नीचे का कैंडिडेट है उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है कि जैसे ही वैकेंसी अराइज होगी, यानी जैसे ही वैकेंसी खाली होगी, वैकेंसी खाली होते ही उसके तुरंत बाद जो नीचे का कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जा रहा है। मैंने जब उन सर से बात की थी तो सर को मैंने ये कहा था कि सर आप वेटिंग में थे या वैकेंसी अराइज वाले केस में थे, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो कुछ सीट खाली नहीं होने की वजह से वहां पे लिखा हुआ था कि बाकी के रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको वैकेंसी अराइज होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। तो जब मैंने सर को ये बात पूछी तो सर ने यही कहा कि सर मेरा वैकेंसी अराइज वाला कोई मैटर नहीं था, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग में था, और वेटिंग में होने के बाद ही मेरा अब अपॉइंटमेंट लेटर आया है, उनकी फर्स्ट वेटिंग थी। तो अच्छी खबर तो यही है कि वैकेंसी अराइज होगी और अराइज होते ही अपने को अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। लेकिन अब एक बात और रहा कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अब दूसरी बुरी खबर साथियों ये है कि केवी का रिजल्ट आप सभी को पता है कि अक्टूबर में आ गया है, और अभी तक जो कुछ कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना रिजाइन नहीं किया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने तो हाथों हाथ रिजाइन कर दिया और कुछ कैंडिडेट्स ने 1 मंथ प्रायर नोटिस अभी समिति को दिया है, उसके बाद में वो रिजाइन करेंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती तो मेरे हिसाब से दिसंबर की मिड तक आती, और तब तक काफी सारी वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती। लेकिन जब कैंडिडेट ने रिजाइन ही नहीं किया है तो उसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको कैसे भेजा जा सकता है, तो ये हमें नुकसान है। और दूसरे नुकसान इसमें ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि अभी 5 कैंडिडेट ने छोड़ा है, ठीक है, अब समिति ने मान लीजिए कि 10 दिन पहले 5 को लेटर भेजा है, अब पता नहीं समिति जो 5 कैंडिडेट छोड़े हैं उनको अभी भेजेगी या उनकी बाद में वो 1 महीने का और वेट करेगी तब उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो अच्छी खबर तो यह है कि अगर समिति चाहे तो जैसे ही वैकेंसी अराइज हो उसके 10 दिन में हमें नेक्स्ट कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, और समिति न चाहे तो हमें वेट भी करवा सकती है, क्योंकि जैसे फिजिक्स की 3 से 4 सीट खाली थी इसमें अपने नॉर्थ ईस्ट में, वहां किसी को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। हिंदी में भी 2 से 3 सीट खाली हुई थी, तो कहने का मतलब है कि काफी सीटें खाली तो हो रही हैं लेकिन अभी रिजाइन पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो हमें शायद वेट करना पड़ सकता है। और अगर समिति बोर्ड की क्लासेस को देखते हुए जल्दी से जल्दी अगर अपॉइंटमेंट लेटर भेजना चाहती है तो ये मान के चलिए कि 5 दिसंबर के आसपास तक लगभग लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका केवी में सिलेक्शन हो वो सब रिजाइन कर चुके होंगे, क्योंकि सबने 28 या 29 अक्टूबर को अपना 1 मंथ प्रायर नोटिस है वो भेज दिया था समिति को। तो शायद हमें देखने को मिल सकता है 5 से 7 दिसंबर की, अगर समिति ने चाहता बोर्ड क्लास के वेलफेयर के रिगार्डिंग अगर समिति चाहती है तो हमें जल्दी से जल्दी है वो हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट में ये कहता हूं कि टीजीटी की जो वेटिंग है वो शायद केवी के बाद ही आएगी, और केवी के बाद आए तो उतना ही अच्छा। मैं फिर कहता हूं वेटिंग जितना लेट आ रही है उतना ही अच्छा होगा आप सभी के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी तभी अराइज होंगी, जितना जल्दी आएगा उतना ही हमें नुकसान है। खैर, फर्स्ट वेटिंग है और सेकंड वेटिंग है उनको तो फायदा है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे है उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। खैर साथियों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई भी अपडेट कोई भी क्यूरी आपके पास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किसी का अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि सारे साथियों को अपडेट मिल सके। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।